वानसी में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ सैकड़ों पटरी व्यवसायी सिग्रह स्थित नगर निगम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। राष्ट्रीय सचिव अभिषेक निगम ने बताया कि 15 तारीख को नगर निगम प्रशासन के खिलाफ धरना दिया गया था, जिसमें नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि 8 नवंबर के बाद टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक होगी और तब तक पटरी व्यवसायियों को कोई दिक्कत नहीं दी जाएगी। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा ठेला पटरी वालों को व्यापार से रोका जा रहा है और उन्हें थाने में बिठाया जा रहा है। अभिषेक निगम, राष्ट्रीय सचिव फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी संगठन। जैसा कि आप सभी लोगों के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी भी होगी, हम लोगों ने अभी विगत पिछले दिनों 15 तारीख को इसी नगर निगम प्रशासन पे एक जहां भी शहर में पुलिस उत्पीड़न हो रहा था उसके विरोध में धरना दिया था। नगर आयुक्त महोदय ने हम लोग को आश्वस्त किया था कि आपको एक पत्र जारी कर दिया जाएगा कि 8 नवंबर छठ पूजा के बाद 8 नवंबर जो ठेला पटरी वालों की कमेटी है, टाउन वेंडिंग कमेटी, उसकी बैठक आयोजित की जाएगी और 8 नवंबर तक जब तक बैठक आयोजित नहीं कर दी जाती तब तक हमारे ठेला पटरी वालों को, चूँकि आगामी आप देख रहे हैं कई बड़े बड़े महापर्व आ रहे हैं, जैसे धनतेरस हो गया, छोटी दिवाली हो गई, बड़ी दिवाली हो गई, छठ पूजा हो गई, पूरे शहर के ठेला पटरी वाले दीपक बेच के, ठेला लगा के, छोटे छोटे सामग्रियों को बेच के इस महापर्व को मनाने का काम करते हैं। जहां एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम पटरी व्यापारियों के लिए 266 स्ट्रीट वेंडरों को, सारनाथ के ठेला पटरी वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मॉडल ठेला प्रदान किया, वहीं यहां के लोकल पुलिस प्रशासन के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी के निर्देश पर पूरे बनारस में व्यापक अभियान चलाकर आज आप देख लीजिए, आज 23 तारीख का दिन हो रहा है और 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी चले गए। नगर आयुक्त महोदय ने, जिला प्रशासन ने हमको बोला था कि 21 तारीख से हमारी दुकानें लग जाएगी, लेकिन पूरे बनारस के SHO हम ठेला पटरी वालों को डंडे से पीट पीट कर घंटों घंटों ले जाकर थाने पे बैठा दे रहे हैं। हम ठेला पटरी वालों का सामान पलट दे रहे हैं, हमें हमारी जगह पे दुकान नहीं लगाने दे रहे हैं और हमारे पटरी व्यापारियों को एक समझ लीजिए प्रभावशाली गुंडागर्दी की तरह उनको ऐसे डरा रहे हैं कि अगर तुम दोबारा वहाँ पे दुकान लगाओगे तो तुम्हारे ठेले के साथ साथ तुम्हारे पूरे घर परिवार के लोगों को भी बंद कर देने का काम करेंगे। मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, तत्काल PMO से निवेदन है, इस गंभीर प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेकर ये दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें और हम ठेला पटरी वालों को तत्काल दुकान लगाने का निर्देश जारी करें। जब तक आज निर्देश जारी नहीं हो जाएगा हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन यहां से हटने का काम नहीं करेंगे।